का कैप दिन दिखवाया जाएगा तब उसको पहना जाएगा। पहनेंगे इसको, पंडित जी को कॉल करेंगे तो ना। हाँ बिल्कुल, दिन कहाँ दिखाई अभी तक। ये दोनों हम उनके लिए ले रहे थे लेकिन पता चला उनके साइज का है ही नहीं, तो ये सोचे बोलते हैं हम ही ले लेते हैं। बोले ठीक है ले ले। मना नहीं करना चाहिए, सुनिए मैं तो मना नहीं। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं हम आपका नए ब्लॉग में जी। आज देख जाओगे आज हम रात से शुरुआत कर रहे हैं ब्लॉग का। जी हाँ, हमेशा सुबह से ही करते हैं, सोचे कि चलिए आज रात से ही कर देते हैं। और आज का दिन है शनिवार और देखते हैं जिया क्या कर रही है। तो जिया जो है यहाँ आलू का चोखा बनाने की तैयारी कर रही है। खिचड़ी उधर बन चुका है, यहाँ है कुकर में, चोखा लगना है ना इसमें। अरे पापड़ आज बन रहा है, खिचड़ी चोखा। खिचड़ी चोखा पापड़, क्योंकि आज शनिवार है। अचार खत्म हो गया, नहीं तो और मजा आता है। खिचड़ी चोखा, घी और अचार। नहीं घी हम नहीं खाएंगे। और हाँ जी, हम लोग इंस्टाग्राम पर डेली लाइव आते हैं, तो अगर आप लोग अभी तक इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जल्दी जुड़ जाइए जी। वहाँ पर डेली लाइव आते हैं और आप सबसे खूब बात करते हैं जी। आज लग रहा है जी ठंड आ गई एकदम। ये देखिए कितना कुहासा है इधर। और ये कुछ पौधे लगाए थे हमने, आज सुबह सुबह उठे तो देखे कि ये हाल है। अब चलते हैं नीचे और जाकर के कुछ पेट पूजा करते हैं। आज तो रविवार है और जिम भी बंद हो। वाह, आज फिर बन रहा है साग। आपको तो पसंद ही है। बिल्कुल, जितना दिन बनेगी उतना दिन खाएंगे। गिना चुना तो हरा सब्जी है जो हमको अच्छा लगता है। सही बात, जिसमें कि साग किसी को पसंद नहीं है, बहुत कम लोगों को पसंद होता है। साग के अलावा और क्या है? बाहर कितना है, बाप रे ठंड। आज थोड़ा कुहासा हुआ है, अब दिसंबर आ गया हमको ठंड आएगा और ठंडा चालू है। फेस पर नहीं लगाएगी आप कुछ? आप खा लो। से बहुत लोग जो है कमेंट करते हैं कि आप अपने चेहरे पर क्या लगाते हैं, कुछ लेप जैसा लग रहा था लगाते हुए, तो कुछ व्लॉग में दिखाए भी हैं। और लग रहा है शायद जो भी नए लोग जुड़े हैं उन्होंने नहीं देखा है, तो चलिए आज फिर से आपको एक बार दिखा देते हैं जिया क्या लगाती है। खुद से बनाएंगे और अपने फेस पे लगाएंगे। अच्छा ऐसी बात है, खुद से मतलब यहाँ खुद का मतलब बताए जिया। और जी यहाँ पे पतिदेव को फेस पैक लगाना था, लेकिन इससे पहले इनको भूख लग गई थी तो हम नाश्ता दे दिए और ये नाश्ता करने लगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, तो हम जरूर दिखाएंगे कि हम अपने फेस पे क्या लगाते हैं। और जी यहाँ पतिदेव नाश्ता कर रहे थे और हमें आए खाना बनाने के लिए। आज हमें बनाना था पत्ता गोभी और यहाँ पे हमारा कढ़ाई हो चुका है गर्म। उसमें डाल देंगे सरसों तेल गर्म होते ही उसमें डाल देंगे जीरा और तेज पत्ता और कटी हुई हरी मिर्च। उसके बाद हम डाल देंगे कटा हुआ प्याज, डाल देंगे फिर अदरक और लहसुन, फिर थोड़ा सा चलाएंगे, फिर डाल देंगे हल्दी को अच्छे से मिला देंगे, फिर डाल देंगे कटा हुआ टमाटर के साथ ही हम डाल देंगे मटर और तब तक भूनेंगे जब तक हमारा टमाटर गल ना जाए। और जी हम इसमें डालेंगे सूखा मसाला जैसे धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और मसाला को अच्छे से भूनेंगे। जब हमारा मसाला भून जाएगा अच्छे से तो डाल देंगे हमें पत्ता गोभी को डालते ही उसमें हम डाल देंगे नमक। डालने से आपका बंधा गोभी गलने लगेगा और उसको ढक करके 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। बीच में चलाते रहेंगे। ये देखिए अभी हमारा बना नहीं है, एक बार और ढक के छोड़ देंगे। और जब इसमें डालेंगे गर्म मसाला के बाद थोड़ा देर चलाएंगे और ये हमारा बनकर तैयार हो गया। आप देख सकते हैं कि काफी अच्छा लग रहा है। और इधर जो है मेरे पापा सब्जी खरीद रहे हैं। हमारे घर के बाहर कोई सब्जी वाला आए और वो आवाज लगाए पापा सब्जी ना खरीदे, ऐसा बहुत कम ही होता है जी। माँ जो है पापा की इसी आदत से कई बार गुस्सा जाती है कि घर में पूरा सब्जी फल ला करके भर देते हैं, जगह नहीं है रखने का।
1 hour later. ये देख सकते हैं मेरा खाना अब लगने वाला है, पतिदेव का इंतजार है. तो आइए पतिदेव. खाने का इंतजार कर रहे थे. आज संडे है पता है ना, जब तक डैडी नहीं खाएंगे तो हम नहीं खाएंगे. अभी 2 बजे हम लोग खाना खा रहे हैं. तो ये है हमारा चावल गरम गरम. ये लग गया जी हमारा खाना. और ये पालक दाल. ठीक है. चावल. चावल. पत्ता गोभी की सब्जी. सलाद. धनिया की चटनी. और ये मेरा घी. घी. घी जो है अपने साइड डालना, हम नहीं खाएंगे घी. ठीक है, हमको पता है. तो जल्दी से आप खाना खाएं. गरम गरम खाने का कहना क्या है, मजा. ये नहीं बोलोगे कि अच्छा खाना बनाई हो. अच्छा पत्ता गोभी खा के बताओ, इसमें झूठ नहीं बोलोगे आप. झूठ बोलोगे तो फिर हम नहीं लेंगे. अच्छा जी, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को लगता हो कि ये सब हम लोग क्या शेयर कर रहे हैं, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें. जी बात ये है कि हम अपने YouTube पर एक मेमोरी डाल रहे हैं और कुछ दिन है जी घर में, फिर तो उसके बाद बाहर जाना होगा. तो घर में जी यह छोटे छोटे पल जो बिताए हुए हैं ना, ये बहुत ज़्यादा हम मिस करेंगे. और जी हमारे लिए जो है पल सिर्फ वह नहीं होता कि हम बाहर ट्रेवल कर रहे हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं या कोई फंक्शन है, हमारे लिए ऐसे छोटे छोटे मोमेंट भी हमारे लिए यादगार होते हैं और हम इसको भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं. 3 hours later. ये क्या समेट रही है? कि ये कपड़ा सारा बिखरा हुआ था वहाँ पे. दीदी देखी थी, फिर सोचे समेट के रख दे. अच्छा ये तो वही है ना मोनू वाला. हाँ ये मोनू. ये शर्ट. एक ये इनका कैप. जिसे दिन दिखवाया जाएगा तब इसको पहना जाए. पहनेंगे इसको. पंडित जी को कॉल करेंगे तब ना. हाँ बिल्कुल. दिन कहाँ दिखाई अभी तक. और ये है भाई के लिए एक शर्ट लिया था. देखिए येलो कलर का शर्ट, ये लग रहा है हमको ज्यादा अच्छा. और इनके लिए दिखाते हैं. हाँ जी ये है मेरा. पंडित जी से दिन दिखवाएंगे फिर पहनेंगे. पहनेंगे पहनेंगे, चिंता क्यों. देखो शुभ काम में देरी कैसे, जो कोई देन है तो मना नहीं करना चाहिए. ये दोनों हम उनके लिए ले रहे थे लेकिन पता चला उनके साइज का है ही नहीं, तो ये सोचे बोलते हैं हम ही ले लेते हैं. बोले ठीक है ले. मना नहीं करना चाहिए, सुनिए मैं तो मना नहीं किया. तो जी आप लोग हमें जरूर कमेंट करके बताना कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा ड्रेस अच्छा लगा और आपको मेरी पसंद कैसी लगी. आपको मेरा ड्रेस ज्यादा अच्छा लगा ना, तो वो बताइए. वो भी हमें पसंद की. हां चलो. 1 आवर लेटर. यहां देख सकते हैं आप पतिदेव क्या कर रहे हैं आप किचन में. दाल बड़ी बना रहे हैं. अच्छा रिकॉर्ड कर रही है, खाएगी तब सबसे पहले आगे. बात हो रही है, हम क्यों खाएंगे, हमको पसंद ही नहीं है झाल मुड़ी. झाल मुड़ी पसंद है, थोड़ी देर में देखते हैं. 3 hours later. ये देखिए जिया क्या सब लगा करके रखी हुई है. लगा तो, के नहीं बनाने वाले हैं आपके लिए. फिर भी हम आपको दिखाएंगे कैसे हम फेस पे लगाते हैं और कितना कौन सा चीज मिलाते हैं. और ये मसूर दाल का पाउडर है जो हम कुछ दिन का पहले से बना करके रख लेते हैं. और ये हल्दी, थोड़ा सा हनी और ये गुलाब जल है. और थोड़ा सा पानी मिला करके एक अच्छा सा पेस्ट बना के तैयार कर लीजिए. और यहाँ पे पतिदेव के फेस पे लगा रहे हैं. जी आप इसे लगा करके देखिए, मैंने तो ओपन पोर्स के लिए लिया था और सच में मुझे रिजल्ट आए हैं. और कहा जाता है कि हर तरह के फेस के स्किन प्रॉब्लम के लिए यह अच्छा होता है. 20 minutes later. ये देख सकते हैं सूख गया है. और अब चलते हैं फेस धोने के लिए. मेरे भी फेस में लगा हुआ है तो हम बोल नहीं पा रहे हैं. दीदी आ गए हैं फेस धो करके, एकदम ग्लो आ रहा है फेस पे. अच्छा तो जी इस व्लॉग को हम लोग जो है यहीं पर खत्म करना चाहेंगे. और आज से 2 दिन बाद हम लोग गांव जाने वाले हैं. तो एक्साइटेड हो? बहुत ज्यादा, क्योंकि वहां पे शादी है. हाँ जी, तो हमारी चचेरी बहन की वहां पर शादी है, तो आपको जो है एक एक पूरा चीज दिखाएंगे किस तरह से हमारी तरफ शादी होती है और सब कुछ दिखाएंगे जी, सारा कल्चर. और अपने सारे परिवार के सदस्यों से भी मिलवाएंगे. पिछले व्लॉग में एक व्लॉग तो हमने डाला था अपने गांव का, लेकिन उसमें सभी सदस्यों से आपको नहीं मिलवा पाए क्योंकि काफी रात हो चुकी थी तो नहीं हो पाया हम लोगों से. तो इस व्लॉग में जो है जो अगला व्लॉग आएगा तो उसमें आपको दिखाएंगे पूरा. तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है. तो इस व्लॉग को जो हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं. और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दें. और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दें. साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले ताकि हमारा कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिले. तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. बाय.